हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और स्वागत है आप सबका अपने चैनल टेक्निकल चाइंस पे। आज के डेली टेक न्यूज एपिसोड में भी बहुत सारा गर्मा गर्म टेक न्यूज है, तो 5 मिनट का समय निकाल करके वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। जल्दी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के डेली टेक न्यूज एपिसोड में सबसे पहले बात करते हैं एमआई की तरफ से इसी महीने लॉन्च होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स की। और उसमें सबसे पहले खबर आ रहा है कि कल यानी कि 13 अक्टूबर को फेस मास्क लॉन्च किया जाएगा एमआई की तरफ से। प्राइस वगैरह का कोई खुलासा अभी नहीं हुआ है, यह आपको कोरोना वायरस से बचा के रखेगा। तो देखते हैं किस प्राइस पे और क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसके होते हैं, वो आपको कल बताएंगे। और उसके बाद बात करते हैं एमआई की तरफ से ट्रू वायरलेस ईयरफोन 2C, जिसका नाम दिया गया है, 14.2 mm ड्राइवर के साथ आता है और प्राइस करीब इसकी 3500 की रखी गई है। फ्लिपकार्ट और अमेजन के सेल पर आपके कुछ कैशबैक भी मिल जाएंगे ICICI, HDFC और SBI के कार्ड यूज करने पर, तो आप वहाँ से आप इसको 15 अक्टूबर को बुक कर पाएंगे। और उसके बाद बात करते हैं एयर 2 प्रो, जो एमआई का ही एक नया प्रोडक्ट है, इसी महीने लॉन्च हो सकता है। इसमें भी आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देखने के लिए मिलता है और 12 mm का ड्राइवर के साथ ही आता है, तो ये भी काफ़ी कमाल का होने वाला है। प्राइस वगैरह का कोई खुलासा नहीं है, इसका भी प्राइस आप मान के चलें कि 4,000-3500 से ऊपर ही जाने वाले हैं। जो भी आएंगे आपको बताएंगे। और उसके बाद बात करते हैं रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन को लेकर के, जो काफ़ी प्रीमियम स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है एमआई की तरफ से। और उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिखाई देने वाला है शायद रेडमी नोट 10 प्रो में। और रेडमी नोट 10 में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिखाई देगा और इसी महीने लॉन्च होने वाला है। डेट का भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, रूमर्स ही आ रहे हैं कि इसी महीने कभी भी आपको अनाउंसमेंट हो सकती है इसकी, तो इंतज़ार करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं LG के वेलवेट स्मार्टफोन्स को लेकर के, ये प्री ऑर्डर के लिए अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है और प्राइस इसकी रखी गई है करीब 37,000 रुपीज़ की। ये स्मार्टफोन आपको 6.8 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करीब 37,000 रुपये में आप इसको बुक कर सकते हैं। और अगर आपको ड्यूअल डिस्प्ले वाला ये LG वेलवेट स्मार्टफोन चाहिए, जिस तरीके से LG GATX में दिया गया था, इस तरीके से अटैच करके एक और स्क्रीन आपको उसके साथ मिल जाते थे, तो उसके लिए आपको 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे प्री बुकिंग के लिए। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो एयरटेल की तरफ से ये खबर आ रही है कि अपना ब्रॉडबैंड प्लान जो घर घर तक पहुंचाना है, यानी कि FTTH के लिए, वो लोकल की केबल TV ऑपरेटर्स के साथ पार्टनरशिप करने जा रहा है और इसे अपने करीब 2000 सिटीज़ में जल्द ही इसको लॉन्च करने की योजना है। तो देखते हैं जियो फाइबर केबल ऑपरेटर्स के माध्यम से जिस तरीके से दे रहा था, उसी तरीके से एयरटेल का भी यह सर्विस आने जा रहा है, तो जियो को कितना ये अफेक्ट कर पाता है, उसको सरपास कर पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपको जल्दी इसकी सर्विस दिखाई देने वाली है। और उसके बाद बात करते हैं OnePlus 8T के लॉन्च इवेंट को लेकर के, करीब इसी महीने 14 तारीख को, यानी कि 2 दिन अब बचे हुए हैं, OnePlus 8T लॉन्च होने के लिए तैयार है। उसके साथ OnePlus Buds G, जो उसके TWS हैं, ट्रू वायरलेस ईयरफोन ईयरबड्स के तरह जो भी हैं, तो वो भी उसके साथ लॉन्च होने कन्फर्म है। और एक र्यूमर ये आ रहे हैं कि OnePlus Nord का एक स्पेशल एडिशन भी आपको इस लॉन्च इवेंट में लॉन्च पर दिखाई देगा। प्राइस वगैरह का भी कोई खुलासा नहीं है, ये आपको 14 तारीख को ही पता चलेगा। और उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे, तो एग्जीनोस 1080 जो 5 nm पे काम करने वाला चिपसेट है, उसके Antutu स्कोर्स आ गए हैं सोशल मीडिया पे और ये करीब 7 lakh स्कोर के साथ स्नैपड्रैगन 865 को काफ़ी पीछे छोड़ते हुए एक फ्लैगशिप चिपसेट बन चुका है। और इसके बारे में खबर आ रही है कि ये चिपसेट वीवो X60 स्मार्टफोन सीरीज में सबसे पहले दिखाई देने वाला है। और उसके साथ साथ एक और र्यूमर आ रही है कि ये गैलेक्सी A सीरीज के स्मार्टफोन्स में भी दिखाई देंगे, तो आने वाले समय में देखते हैं कि किस किस डिवाइस में ये आते हैं और सबसे पहले इसको कौन लॉन्च करता है। ये अभी र्यूमर था कि X60 के साथ ही आने वाला है, हो सकता है कोई और स्मार्टफोन इसको उठा ले और लॉन्च कर ले, बस इंतज़ार करते हैं। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ओप्पो के स्मार्ट TV के बारे में कुछ न्यूज आ रही है कि ये इसी महीने 19 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च हो सकता है। और इसके बारे में बात की जा रही है कि ये TV 2 वेरियंट में आएगा, 55 इंच और 65 इंच में, और इसमें आपको क्वांटम डॉट फुल स्क्रीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी और ये 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ लॉन्च होने वाला है। और
बात करते हैं आज के अंतिम टेक न्यूज़ यानी कि इस टेक न्यूज़ के सबसे लास्ट खबर के बारे में। उसमें टॉप 10 परफॉर्मिंग एंड्रॉयड फ्लैगशिप फोन्स के लिस्ट जारी कर दिए गए हैं AnTuTu बेंचमार्क स्कोरिंग के तरफ से, और इसमें स्कोर्स के हिसाब से देखते हैं तो करीब IQ5 और IQ5 Pro दो स्मार्टफोन्स हैं जो इसके टॉप स्कोरर हैं, और लास्ट थ्री में देखते हैं तो OPPO Find X2 Pro और OPPO Find X2 है। बाद बाकी बीच में सैमसंग वगैरह का कोई फ़ोन नहीं है इसमें। तो बस आप देख लीजिए, अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं और आपको बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन चाहिए तो पैसे लगाने के बाद भी आपको इस तरीके के परफॉर्मेंस आपको सैमसंग वगैरह में नहीं मिलने वाले हैं। तो बस आज के इस टेक न्यूज़ के सिलसिले को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बगल के भी ये दोनों वीडियो देखते हुए जाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ये भी आपके काम की है। मिलते हैं आपसे एक नए टेक न्यूज़ एपिसोड के साथ कल इसी समय इसी चैनल पे, आना मत भूलिएगा। नमस्कार।